इस जन्म में तुम अनन्या के काबिल भी नहीं बन सकती। उसके जैसा प्यार करने की बात तो दूर की रही। जब अनन्या को तुम्हारा सच पता चलेगा ना कभी, तो वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी नहीं। मेरा सच मेरा है श्रेया, एक ना एक दिन तो सामने आना ही था, आ गया। सच और इंसाफ में फर्क होता है, उस फर्क को पार कर लो तो जीत होती है। I won't let you win. मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, तुम हारोगे। कोई गम नहीं, कम से कम मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो मिलेगा। तुम भूल रही हो श्रेया कि इस कहानी में सच मेरा है और इंसाफ अनन्या का। अगर मेरा सच हार भी गया तब भी मैं अनन्या को इंसाफ दिलाकर ही मरूंगा। रोक सकती हो तो रोक लो। तुम्हें जो चाल चलनी थी तुम चल चुकी हो श्रेया। अफसोस मैंने तुम्हें शह दे दी, अब मेरी चाल की बारी है। तो ये बताया अनन्या की मम ने, बहुत ही बिटर साउंड कर रही थी। लेकिन सर मुझे लगता है कि अनन्या टीनू के साथ मिलकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब मैंने टीनू को फोन किया था उसने मेरा फोन काट दिया और फिर उसका मैसेज आया कि वो फोन करता है बिजी है। तो सबकी नाराजगी अपनी जगह जायज होनी, गलती तो मुझसे हुई है, झूठ तो मैंने बोला। Anyway, लेकिन अब मुझे सिर्फ अनन्या का डर लग रहा है। हमें किसी ना किसी तरह से उसे रोकना होगा। ये आरजी नाम का शख्स एक तरिंदा है। He is a bloody murderer. अगर 8 साल पहले अनन्या के पापा को मरवाने में उसने 2 बार नहीं सोचा तो वो अब क्यों शर्माएगा? एक ही इशारे में अनन्या को रास्ते से हटवा देगा। उसके पास कॉन्टैक्ट है, पैसा है, ताकत है। हमें किसी भी तरह से अनन्या को आरजी की नजरों में आने से रोकना होगा। ओके? रॉनी, एडिटोरियल मीटिंग अगले 5 मिनट में, सबको कह दो प्लीज। और मानव और श्रेया पे नजर रखना, जरा सा विषय को तो मुझे बताना। जी। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, हाउ आर यू टुडे? क्या बात है, आप गई नहीं कल कबीर के यहाँ? आप जाने वाली थी ना उनके टुकड़े बटोरने, पीस बाय पीस। क्यों, तुम कबीर के यहाँ पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हो? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि मुझे लगा आप कल वही काम करने जा रहे थे ना। रिमेम्बर, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक वहाँ पे बाहर। वो कल रात को कुछ लोग घर आ गए थे, सो आई वाज बिजी। पता नहीं क्यों मेरा जी नहीं मान रहा आप पे विश्वास करने का। ऐसा लग रहा है आप गई तो थी लेकिन चोट खा के वापस आ गई। क्या हो गया बताओ ना? आपके प्यार को ठुकरा दिया कबीर ने, आपकी सिंपैथी को ठुकरा दिया। कबीर ने मेरे प्यार को नहीं ठुकराया है, उसने मेरे बदले की आग को हवा दे दी है।
के बदले की आग इतना बढ़ेगी कि कबीर खुद उसमें जल के राख हो जाएगा। वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन कोई एक बात तो माननी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था ना, अनन्या के लिए कबीर का प्यार चट्टान है। ठीक है, तो फिर एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी मानव, कि तुम जिंदगी भर केकेएन में सिर्फ एक रिपोर्टर बन के रहोगे, क्योंकि जब तक कबीर और अनन्या एक साथ हैं और जब तक कबीर मेरा नहीं होता, तब तक आई विल मेक श्योर कि तुम केकेएन के एडिटर कभी ना बन पाओ। मुझे कबीर और अनन्या के बीच में एक दरार डालनी थी, वो मैं डाल चुकी हूँ। अब धीरे धीरे मुझे उस दरार को और गहरा करना है। स्लो एंड स्टेडी, ये सिर्फ शुरुआत है मानव। कबीर की जिद है ना कि वो मेरा कभी नहीं होगा। ठीक है, मेरी भी जिद है कि मैं कबीर को किसी और का होने भी नहीं दूंगी। अगर तुम अपने नाकाम फ्यूचर पे हंसना चाहते हो तो बाहर जाके हंस सकते हो। आउट। हाय आरजी, टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? ऋचा, बिहार स्टेट इलेक्शंस की डेट्स आउट हो गई, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं कोई एनालिसिस या डिबेट्स कर रही हो? मानो ने पूरी एक सीरीज की थी इसी के ऊपर, तुम उसे कंटिन्यू कर सकती हो। सर, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, मैं इसी हफ्ते प्लान करती हूँ। तुम्हें जिस किसी की भी हेल्प चाहिए तुम ले सकती हो। अनन्या भी तो इन दोनों खाली बैठी, बहुत दिनों से उसने कोई बड़ी स्टोरी नहीं की और फिलहाल किसी रीट पे काम भी नहीं कर रही। यू कैन यूज हर एक्सपीरियंस, हर कनेक्शंस, हर एक्सपर्टीज। मुझे कल से ही तुम्हारे शो में देखना है और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। ओके Excuse me, guys. एक छोटा सा काम है पर बहुत अर्जेंट है। आप जानते हैं आरजी के साथ हुई बिजनेस डील के मुताबिक मुझे उनकी ब्रांड बिल्डिंग हमारे चैनल पे करनी है, और सिंस इस केस में आरजी खुद एक ब्रांड है तो मुझे उनका इंटरव्यू चाहिए। बस एक दो दिन में ऑन एयर करना होगा। तो अनन्या, आई थिंक तुम जाके आरजी का इंटरव्यू ले लो, क्योंकि आरजी कोई मामूली इंसान तो है नहीं, तो मुझे मेरे चैनल की सबसे बेहतरीन सीनियर रिपोर्टर को भेजना होगा। जस्ट अ मिनट श्रेया, आरजी एक बिजनेसमैन और केकेएन की बिजनेस रिपोर्टर रिचा है, सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड एज टू व्हाई अनन्या। इट्स ओके, मैं अपने आप को लकी समझूंगी अगर मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर पाई तो। आई कैन डू दिस। आई विल डू इट। ग्रेट। अनन्या ये इंटरव्यू नहीं करेगी। क्यों? मैं तो इस वक्त खाली हूं, किसी लीड पे काम भी नहीं कर रही, तो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे कनेक्शंस को यूज करना चाहिए ना। मैं क्यों नहीं कर सकती इंटरव्यू? वैसे भी ऋचा तो बिहार पोल्स कवर कर रही है, वो कब इंटरव्यू करेगी? श्रेया, तुम्हें इंटरव्यू चाहिए ना, तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू मिल जाएगा। कौन वो इंटरव्यू करेगा ये मैं डिसाइड करता हूँ। हाँ, ये और बात है कि एक न्यूज़ चैनल में अब हम पेड ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि केकेएन के एडिटोरियल पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है, पर इट्स ओके। कबीर, चैनल के मालिक इस पॉलिसी को कभी भी बदल सकते हैं। मुझे मेल आया था एंड आई थिंक इट्स फाइन श्रेया, तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू मिल जाएगा।
ये इंटरव्यू रिचा करेगी, दैट्स फाइनल। मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते कबीर। You can't insult me like this। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे सितारे बड़े ही गर्दिश में हो श्रेया, लेकिन प्रोफेशनली मैं आज भी कबीर शर्मा हूं। जर्नलिस्ट कबीर शर्मा, रिपोर्टर कबीर शर्मा, एडिटर इन चीफ कबीर शर्मा ने कई लोगों के करियर और रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाई हैं और आज भी उड़ाने का दम रखता है। कईयों की महत्वाकांक्षाओं के पर काटे हैं मेरी रिपोर्टिंग ने। इस मैदान में मुझसे मत उलझना श्रेया, पछताओगी। डोंट फॉरगेट, जो कहो सोच समझ कर कहना। वहां कॉन्फ्रेंस रूम में अगर मैं चाहता तो सबके सामने तुम्हारे रात के तमाशे के बारे में बता सकता था, लेकिन नहीं कुछ कहा मैंने, क्योंकि मैं औरतों की इज्जत करता हूं। पर हां, तुम एक औरत हो, यह अब मैंने भूलना शुरू कर दिया है। जब तुम मेरे लिए एक इंसान भी नहीं रहोगी, तब क्या कहूंगा क्या करूंगा मैं। खालिद, आप फ्री हैं? Yes. मुझे एक वर्बल कंप्लेंट दर्ज करानी है। मैं यहाँ की बिजनेस हेड हूँ और आपके एडिटर इन चीफ जिस तरह से मुझसे बात करते हैं, मुझे पसंद नहीं। हाँ, कंप्लेन एक्सेप्टेड। पर श्रेया, इस कंप्लेन के जवाब में मैं आपको अभी बता दूं कि इस चैनल की पोजीशंस का जो ब्रीफ है या दायरा है, उसके मुताबिक एडिटर इन चीफ ने कोई गलती नहीं की। चैनल में वो कंटेंट इंचार्ज है, सो कंटेंट से रिलेटेड हर फैसला वही करेगा। इनफैक्ट बिजनेस हेड होते हुए भी अगर किसी क्लाइंट से आप कंटेंट की डिस्कशन करते हैं, तो वो एडिटर इन चीफ के बिना नहीं होगी। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड द कबीर क्लॉज। ये तो गनीमत है कि कबीर ने अभी तक आरजी का इंटरव्यू एयर करने से इनकार नहीं किया। तुम मुझे डिफाई कर रहे हो खालिद। बहुत जल्द आपसे तुम पे आ गई। Not that I have an issue with it, Shreya. और मैं तुम्हें डिफाई नहीं कर रहा हूं, पर इस चैनल के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ ना, तो उसे डिफाई करूंगा। ओके? मैंने केएल से बात कर ली है। He'll soon be speaking to you. Don't mess with me, Khalid. And you don't mess with Kabir and Ananya. You get that? उन दोनों के बीच में जो भी नाराजगी है वो फिर भी एक साथ आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज ट्रू लव, जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। यू नो व्हाट श्रेया, तुम्हें पावर, पोजीशन और पोजेशन का शौक है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, पर उसे अपने काम तक सीमित रखो। और एक और बात मत भूलो कि तुम यहां की एक एम्प्लॉई हो। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें अपॉइंट किया है, दैट्स ओके, बट केएल, कबीर और मैं इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, एंड देयर बाय अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स। और अब तक मैं तुम्हें इसलिए टॉलरेट कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा इसमें चैनल की भलाई है, बट क्लियरली नॉट। यू डोंट रियली नो मी खालिद। यू नो खालिद, मैं यहां जो हासिल करने आई हूं ना, वो मैं हासिल करके रहूंगी। ओ, तुम्हारा मतलब कबीर से? उसके बारे में तो सब जानते हैं। हाँ, तो फिर अब ये बात छुपाने की जरूरत भी नहीं है ना। कबीर को मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी, फिर चाहे उसका हर जाना केकेएन को क्यों ना भुगतना पड़े।
मुझे सिर्फ आपको कुछ बताना है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। कम से कम इसी बहाने तुम बात करने तो आई। आज ही का इंटरव्यू मैं लूंगी। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि आप डरते हैं कि आपके दोस्त को मैं एक्सपोज कर दूंगी। पुराने दोस्त है ना आपके, पहले भी आपके करियर में हेल्प की है, और अब तो आपका बुलेटिन स्पॉन्सर करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी हस्ती है और बहुत पहुंचे हुए भी हैं। तुम आरजी को नहीं जानती अनन्या, वो एक बहुत ही कमीना और बहुत ही डेंजरस इंसान है। हाँ होंगे, पर मैं आपकी तरह बुजदिल नहीं हूँ, और मुझे रोकने का हक आप खो चुके, क्योंकि ना ही अब आप मेरे फियांसे हैं, ना मेरे दोस्त हैं, और ना ही वो एडिटर इन चीफ है जिनकी मैं इज्जत करती थी, जो मेरे आइडियल थे। मैं सच की तलाश में आगे बढ़ रही, और मैं किसी भी हद तक जाऊं कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि ना ही मुझे अब किसी बात का डर है और ना ही किसी की शर्म। अगर मैं इस रास्ते में मर भी गई ना, तो भी एटलीस्ट अपने पापा की नजरों में शर्मिंदा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने कोशिश की, मैं लड़ी सच के लिए, इंसाफ के लिए, उस इंसान के लिए जिसने एक गुनाह को रोकने की कोशिश की थी, जो इनोसेंट था फिर भी उसे सजा मिली, उन 50 बच्चों के लिए जो एक दवाई कंपनी की गलती का शिकार बने, उनके पेरेंट्स के लिए जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि आपने अपना जमीर गिरवी रख दिया था, या शायद बेच दिया था। और जाने से पहले जिंदगी में जब बात हार जीत पर आकर रुक जाए, तो खेल ऐसा खेलो कि दुनिया तुम्हारी हार पर भी नतमस्तक हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।